नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब चैनल पर जयम रेसिपीज़ का यह पहला वीडियो है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा। आज हम मिट्टी के बर्तन में दालचा कैसे पकाते हैं यह देखेंगे। दालचा कई प्रकार से बनाए, खाए और परोसे जाते हैं। आमतौर पर दालचा चने की दाल डालकर बनाया जाता है, पर आज हम मटन के साथ मसूर दाल, मूंग दाल और तुअर की दाल का इस्तेमाल करके दालचा बनाएंगे। जो लोग मांसाहार का सेवन नहीं करते, वे लोग मटन की जगह और कई तरह की सब्जियों का इस्तेमाल करके दालचा बना सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं मिट्टी के बर्तन में मटन दालचा कैसे बनाते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके हम इस पर एक मिट्टी का बर्तन रख देंगे और तीनों दालों को हमने आधा घंटे पहले भिगोया था। इन दालों को इस बर्तन में डालकर ज़रूरत अनुसार पानी डालकर इन तीनों दालों को गलने तक अच्छे से पका लेंगे। अभी धोए हुए मटन में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला और जीरा पाउडर डालकर मिला लेंगे। इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब दालचा बनाने के लिए हमें कुछ सब्जियों की ज़रूरत होगी। इनमें से हम ये कुछ सब्जियां ले लेंगे। दो टमाटर, हरी मिर्च, लौकी, दो तीन बैंगन, दो बड़े प्याज, दो बड़े आलू, पुदीना, लहसुन, अदरक, करी पत्ता, हरा धनिया, एक बड़ा लौकी। इन सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर चुनकर काट लेंगे। यहाँ पर हमारी दाल भी पक गई है, इसमें हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम सारी सब्जियों को काट लेंगे।
अभी हमारी सारी सब्जियां काटकर हो गई है और अदरक लहसुन भी तैयार है। तो यहाँ पर हम इस मिट्टी के बर्तन में जो दाल पकाई थी वो एक स्टील के बर्तन में निकाल लेंगे। अभी इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और ये बची हुई दाल ये भी पूरी चम्मच से निकाल कर एक बर्तन में डाल देंगे। अभी दालचा को तड़का लगाने के लिए एक मिट्टी का दूसरा बर्तन गैस ऑन करके रखेंगे। इसमें तेल डालेंगे, तेल में कुछ गरम मसाले, खड़े मसाले डालेंगे, दालचीनी, मिर्च, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और शाहजीरा। और इसके बाद इसमें प्याज डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज के बाद कुछ कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसे भी प्याज के साथ भून लेंगे। याद रखिए हम गैस पर मिट्टी के बर्तन में खाना बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा तेज आंच पर ना पकाएं, मध्यम आंच पर ही पकाएं, क्योंकि मिट्टी का बर्तन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। जब तक हमारी प्याज भून रही है तब तक आपको मैं ये बता दूं कि मटन दालचा को दाल गोश्त दालचा, मटन दालचा अन्य नामों से भी कई जगहों पर पुकारा जाता है। अभी हम दालचा में थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। प्याज थोड़े से पकने पर अदरक लहसुन का पेस्ट और मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे और मटन को इसमें अच्छी तरह से सौते कर लेंगे, मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर मटन पकने के लिए ढक कर रख देंगे। ध्यान रखें कि आंच मध्यम ही रखें। अब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे और टमाटर डालने के बाद मटन को अच्छी तरह से मिला लेंगे। मटन खाने लायक पकने तक इसे पका लेंगे। ध्यान रखें कि मटन जलने नहीं चाहिए, इसीलिए बीच बीच में मटन को हिलाते रहें और अगर पानी की मात्रा इसमें कम हो तो इसमें दाल का पानी मिला सकते हैं या फिर पानी गर्म करके इस्तेमाल करें। जब तक हमारा मटन पक रहा है तब तक हम चावल बना लेते हैं। चावल बनाने के लिए हमें चाहिए लगभग एक गिलास चावल। इस चावल को हम दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। ये चावल पहले से ही साफ़ किए हुए हैं, साफ़ नहीं किए हुए तो आप इसे पहले कर लें और बाद में धो लें। दो से तीन बार चावल धोने के बाद इसमें दो से ढाई गिलास पानी डालें। दो से ढाई गिलास पानी डालने के बाद पाँच मिनट के लिए चावल को ऐसे ही ढक कर रख दें। तब तक हम देखेंगे मटन अच्छी तरह से पक गया है कि नहीं। मटन अच्छी तरह से पक गया है, अभी इसे ढक कर रख देंगे। अभी हम चावल पका लेते हैं। चावल पकाने के लिए गैस ऑन कर उस पर मिट्टी का बर्तन रख देंगे। उसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, दालचीनी का टुकड़ा, काले मिर्च और शाहजीरा। इसके बाद इसमें नमक मिला लेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ऑयल,
जीरा और करी पत्ता अच्छे से मिला लेंगे ये। और जब तक के पानी गर्म ना हो जाए, उबाल ना आ जाए इसमें, तब तक इसे ढक कर रख। अब अच्छी तरह से पके हुए मटन में गली हुई दाल डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम इसमें ज़रूरत अनुसार पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर आप दालचा चख सकते हैं, नमक की मात्रा बराबर है या नहीं यहाँ पर आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तब तक के लिए हम चावल को एक बार अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पके हुए मटन में दाल डालने के बाद सभी कटी हुई सब्जियां डालकर अच्छे से मिला लेंगे और ढककर इसे तब तक पकाएंगे कि जब तक सारी सब्जियां अच्छे से पक ना जाए। और ये देखिए चावल बनकर तैयार है। चावल को एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे ढककर गैस धीमी आंच पर रख के 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। और ये देखिए यहाँ पर दालचा भी तैयार है। दालचा को भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे भी ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। दालचा पकाते समय जितनी आप धीमी आंच पर पकाएंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये देखिए दालचा तैयार है। इस दालचा को आप बिरयानी, चावल, बघारा राइस, घी राइस, रोटी, पराठा इनमें से किसी के भी साथ परोस और खा सकते हैं। दालचा बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आपको जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल का मिट्टी के बर्तन में बना यह मटन दालचा पसंद आया हो तो इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें। जयम रेसिपीज़ की अन्य रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नए रेसिपी के साथ।